हर आदमी भीतर से मरा मराया मुरझाया, आधा जिंदा आधा मुर्दा, केचुए की तरह सरक सरक कर जी रहा है। आपके जीवन को बदलने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ वह है कि आप ध्यान की दिशा में स्वयं को सक्रिय करें, ध्यान को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं, क्योंकि ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान ही एकमात्र विधि है जिससे तुम स्वयं की आत्मा के निकट हो सकते हो। ध्यान ही एकमात्र औषधि है जिससे तुम्हें इस चिंता तनाव उदासी के महासागर में जीते हुए आनंद की झलक मिल सकती है। ध्यान ही वो एकमात्र औषधि है जो तुम्हारी जिंदगी की सभी बीमारियों का समाधान उपलब्ध करा सकती है। इसलिए एक संकल्प लेकर उठना आज कि आप कम से कम 20 मिनट कम से कम 20 मिनट कम से कम 20 मिनट हर रोज माइंड पावर मेडिटेशन अथवा संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान में अवश्य प्रवेश करेंगे, और ध्यान में आपकी गति आगे बढ़े, ध्यान में आपको सफलता मिले, इसके लिए जरूरी है कि हर रोज सायंकाल जब भी आप बाहर से घर वापस लौटते हैं कम से कम 15 मिनट का समय इनर क्लींजिंग के लिए, भीतरी सफाई के लिए अवश्य निर्धारित करें। अगर आप भीतरी सफाई अनिवार्य रूप से अपने जीवन शैली का अंग बना लेते हैं तो आप समझ लेना कि आप ध्यान में सार्थक कदम उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और भीतरी सफाई है क्या, इनर क्लेंजिंग है क्या, इनर डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? जैसे आप अगर एक दिन नहीं नहाते हैं, स्नान नहीं करते हैं, तो आपका शरीर इतना थकाऊ हो जाता है कि आपको लगता है कि शरीर बोझ बन गया। यानी सिर्फ नहाने से आपको एक अद्भुत ताजगी का अनुभव होता है, और वह इतना महत्वपूर्ण है कि हर रोज आपको नहाना पड़ता है। लेकिन ये जो नहाना आपके सिर्फ बाहर के शरीर की सफाई का उपाय है, आपके भीतर भी तरह तरह के मल, तरह तरह के विकार, तरह तरह के टॉक्सिन्स, तरह तरह की नकारात्मकता हर रोज इकट्ठी होती है। जैसे शरीर पे गंदगी ऊपर पड़ जाती है डेली, वैसे ही हर रोज आपके भीतर तरह तरह की नकारात्मकता, तरह तरह के मल, तरह तरह के विकार इकट्ठा होते रहते हैं। जब से पैदा हुए हो तब से इकट्ठा करते जा रहे हो, आपने कभी उनकी सफाई करने की चेष्टा नहीं की, ना आज तक किसी ने आपके भीतर जो टॉक्सिन्स, नकारात्मकता, मल, विकार इकट्ठा हो रहे उनको बाहर फेंकने का कोई उपाय, कोई उपचार, कोई रास्ता आपको नहीं दिखाया गया। इसीलिए आपके भीतर आप जड़ हो गए, लगता ही नहीं कि आदमी जिंदा है। हर आदमी भीतर से मरा मराया मुरझाया, आधा जिंदा आधा मुर्दा, केचुए की तरह सरक सरक कर जी रहा है। जिसको देखो वही उदास। उदासी का कोई कारण है नहीं। अगर रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए तो उदास होने का कोई कारण बचता नहीं है। लेकिन फिर भी हर आदमी उदास है। जो कुछ पाना चाहते हो वो सब कुछ मिल गया है, फिर भी उदास हो। जो कुछ पाना चाहते हो उसका अंबार भी लग गया है, ऐसे लोग भी उदास हैं। इसका एक ही कारण है, दो कारण नहीं। आपके शरीर के तल पर भीतर तरह तरह के मल विकार इकट्ठा हो गए, आपके मन के तल पर तरह तरह के विचारों की अशुद्धि का ढेर लग गया है, और आपके आत्मा के तल पर तरह तरह के मल, विकार और अशुद्धियां जड़ जमा कर बैठ गई हैं, जिसके बोझ के नीचे तुम्हारी आत्मा दब गई है और तुम खिलखिलाकर हंसी भी नहीं हंस पाते।
इस नकारात्मकता को बाहर फेंकना होगा। ये भीतर के सारे विकारों को, सारे मलों को, सारे आवरण आपको बाहर फेंकने होंगे। उनको फेंके बिना तुम आकाश में उड़ नहीं सकोगे, आनंद की तरंग तुम्हें पकड़ नहीं सकेगी। और ये जीवन ऐसे ही मुर्दा मुर्दा जीते हुए चले जाओगे। तुम्हें लगता है तुम जी रहे हो, वास्तव में तुम सब मरे मराए हो। ये मरा मराया जीवन छूटे और हंसता हुआ जीवंत जीवन तुम्हें उपलब्ध हो। इसीलिए इस शाम को बुलाया हूँ कि आपके भीतर कुछ चोट करूँ, कि आप अपने भीतरी आयामों को ठीक करें ताकि जिंदगी बदले। तो भीतरी आयामों को ठीक करने की दिशा में सबसे पहला काम है कम से कम 15 मिनट इनर क्लींजिंग, भीतरी सफाई हर व्यक्ति को करना चाहिए। और भीतरी सफाई का एक आयाम है साइंस डिवाइन की इनर क्लींजिंग डिवाइस, जिसे मैं कई बार समझा चुका हूँ।